हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जैरब सॉल्यूशनिस्ट। कैसे हो आप सभी लोग गाइस? देखिए, ये जो वीडियो है ये प्रीवियस वीडियोस के साथ ही होगा। इसमें जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अपना एक नया जो फेलोशिप और रिसर्च से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन निकाला हुआ है, एप्लीकेशंस बेसिकली, जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। तो इसी के बारे में है जिसमें मैंने पहले वीडियो में आप लोग को बताया कि कौन कौन से स्कीम्स निकले हुए हैं। दूसरे वीडियो मैंने आप लोग को बताया कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप है सावित्रीबाई फुले का, अभी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ डॉक्टर राधा कृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के बारे में कि कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन सारी ही चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है UGC की वेबसाइट से लिया गया है, इसलिए सोर्स एकदम अथॉन्टिक है, ठीक है? आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, UGC की वेबसाइट है ऑफिशियल। इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड करके यहाँ पर है, ठीक है? अब आप देखिए, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन है। पिछले वीडियो मैंने सब बता दिया था और ये सूचना थी जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से फेलोशिप स्कीम्स निकले हुए हैं, ठीक है? अब इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा मैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन UGC पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आपको मेरे बहुत सारे क्लासेस मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज भी कर सकते हो, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट ऑफर अभी अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। कोड अभिषेक जे या 10AKJ के साथ आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको मेरी फ्री क्लासेस मिल जाती हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप पूरी तरीके से 100% पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं इस पूरे इंफॉर्मेशन को कि जो ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए कि आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, ये इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। जैसे आपको PhD करने के लिए मास्टर्स चाहिए होता है, वैसे ही PDF करने के लिए PhD मिनिमम क्वालिफिकेशन है। क्यों ऐसा रखा गया है? ताकि ऐसे लोग जो जो रिसर्च फील्ड में एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनको आगे भी है ना और पढ़ाई करनी है और बेहतर कर सकते हैं, तो इसलिए सरकार जो है PDF जैसे फेलोशिप स्कीम जो है निकालती है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि PhD की तरह इसका जो टेन्योर है वो 5 साल का ना होकर के सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है और ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। यानी कि आप मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के लिए ही PDF कर सकते हैं और 3 सालों तक ही आपको पूरा अपना काम जो है सबमिट करना होगा। बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या PhD करने के बाद जो आपका रिसर्च का टॉपिक था वही PDF में भी आपका टॉपिक होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉपिक आपको चेंज करना पड़ेगा। टॉपिक उससे मिला जुला जरूर हो सकता है, बट टॉपिक पूरी तरीके से चेंज होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर अनएम्प्लॉयड होना बहुत जरूरी है। आपके पास कोई जॉब नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई जॉब आपके पास नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास मिनिमम PhD डिग्री अवार्ड होना चाहिए। अगर PhD अवार्ड नहीं हुआ है आपको, तो अगर आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, यानी कि अभी आपने सबमिट किया हुआ है बट अभी भी आपका बचा हुआ है, तो आप अपना मतलब सर्टिफिकेट दे करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक एज की बात करें तो 35 ईयर इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है ना? जहां JRF की एज लिमिट 30 है, वहीं PDF के लिए 35 ईयर जो है रखी गई है। यानी 35 के ऊपर अगर आप हैं तो आप नहीं एलिजिबल हैं। हालांकि कुछ केसेस में एज रिलैक्सेशन भी है, ST/ST OBJ OBC नॉन क्रीमी लेयर वीमेंस के लिए भी फ्री है, मतलब 5 सालों के लिए, और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर किसी भी तरीके के कोई और फेलोशिप ले रहे हैं तो आप उसे कैंसिल करके पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप ले सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उसे रिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी अवेल करें पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के, 55% होने चाहिए आपके पास मास्टर्स में, आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 55% आपका होना चाहिए। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन है ST/ST OBC और PWD ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के लिए, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से, यानी आपको स्वयं ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके मेंटर या सुपरवाइजर कौन है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो एफिलिएटेड होने चाहिए किसी ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज से, है ना? अथॉन्टिक होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। और भी बातें आपको बताता हूँ मैं, आपको उनके कंसेंट से ही उनके मेंटरशिप को लेना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा जब आप PDF के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है? आपके HOD का, आपके सुपरवाइजर का, मेंटर का साइन किया हुआ जो है सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए।
मेंटर यानी कि जो सुपरवाइजर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि कम से कम वो रेगुलर फैकल्टी हो, एडहॉक पे ना हो, कॉन्ट्रेक्चुअल पे ना हो, ठीक है, रेगुलर फैकल्टी हो, और वो मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पीडीएफ नहीं करवा सकते, या तो एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर ही करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा उनके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और उन्होंने कम से कम 3 लोगों को पीएचडी पहले करवा लिया हो और वो सबमिट कर चुके हैं अपनी रिपोर्ट। ये आपके सुपरवाइजर का भी एलिजिबिलिटी है, जहां तक पीएचडी की बात है तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन पीडीएफ में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिसर्च सेंटर के लिए कैसे आप एलिजिबल है, कौन सा रिसर्च सेंटर, देखिए ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप स्वयं इसे चुन सकते हैं। यूजीसी इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं वो बताती है कि आप यहीं पर जाएंगे या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही जाएंगे। कोई भी इंडिया में किसी भी जगह पर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो स्टेट और सेंट्रल से फंडेड हो या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस हो, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक बात है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स की संख्या 900 है, जो कि काफी काफी ज्यादा है, 900 सीट है। इस 900 सीट में से 30% सीट रिजर्व है आधी आबादी के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा इसलिए किया गया था कि महिलाएं भी जो है पीडीएफ में पोस्ट डॉक्टर फेलो में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकें। अब आते हैं काम की बात करते हैं, है ना। काम की बात ये है कि कितना पैसा इसमें मिलता है आपको। देखिए जहां तक बात है फेलोशिप की, तो इसे 50,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं 3 सालों तक। 3 गुणे 12 कितने हो गए, है ना, आप मतलब ये 3 सालों तक मिलेगा, यानी कि टोटल 36 मंथ हो गए। अब 36 मंथ से इंटू 50,000 कर लीजिए, देखिए कितना मिलता है आपको। इतना पैसा आपको 3 सालों में मिलेगा, बाप रे, इतना पैसा क्या करोगे आप लोग, है ना। चलो कोई नहीं, कभी कभी हमारे क्लास का, हमारे यूट्यूब चैनल का जो मेंबरशिप है वो भी ले लेना इसी पैसे से, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा इसलिए। हालांकि इसके अलावा कंटिंजेंसी वगैरह भी आप लोग को मिलता है, 50,000 रुपए की कंटिंजेंसी भी मिलती है पर एनम, यानी कि वार्षिक तौर पर आपको 50,000 रुपए आपके कापी किताब के खर्च के तौर पर देगा। पेन पेंसिल भी आप ले सकते हैं, हालांकि लैपटॉप भी ले सकते हैं आप, बट लैपटॉप मैक्सिमम 50,000 के आसपास का होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी लेबोरेटरी रिलेटेड इक्विपमेंट या लैपटॉप रिलेटेड या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप लेते हैं, तो वो सब कुछ आपको जब आपका पीडीएफ सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको वो सारा सबमिट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, क्योंकि वो उनका एसेट होता है, ना कि आपका, क्योंकि उनके पैसे पे आपको मिला हुआ। इसलिए जहां तक बात करें हम एचआरए की, तो एचआरए भी आपको दिया जाएगा, हालांकि स्पष्ट नहीं कि एचआरए कितना होगा। अगर हम पीएचडी की बात करें, तो पीएचडी में एचआरए मैक्सिमम 5,000 रुपये मिलता है बड़े शहरों के लिए, और छोटे शहरों के लिए यही 2,500 रुपये मिलता है। कुछ ऐसा ही होगा, बहुत होगा तो 5 से 10 हज़ार रुपये होगा और 2,500 से 5,000 रुपये होगा, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता है। लीव आपको साल में 30 दिनों तक ही मैक्सिमम मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या पूजा वगैरह से रिलेटेड कोई छुट्टियां नहीं मिलती है। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिल सकता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम होगा उसके अंडर आपको मिल सकता है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस यूजीसी इनवाइट करता है पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए। बस आपको इतना करना है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा करके आपको अप्लाई कर देना है अपने इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन उसे फॉरवर्ड करेगा और फिर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करके आपका सिलेक्शन प्रक्रिया जो है कैसे होगा, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे। सबसे पहले देखिए, आपका जो भी डिग्री होगा पीएचडी तक का, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, हाई स्कूल, सारा इंफॉर्मेशन जो आपका होगा, एपीए आपका बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका बनेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भी एप्लीकेंट होंगे, सारे एप्लीकेंट सबका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो भी मेरिट लिस्ट में जिस रैंकिंग पर होगा, उसी रैंकिंग के हिसाब से उनको चुना जाएगा, और ये मेरिट लिस्ट फाइनलाइज करेंगे, एक एक्सपर्ट कमिटी होगी वो फाइनलाइज करेंगे, और फाइनलाइज करने के बाद वो रिजल्ट को यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जो आपका एक अवार्ड लेटर भी होगा कि आपको पीडीएफ का अवार्ड लेटर मिल गया है। इसके लिए कोई वर्चुअल सर्टिफिकेट या फिर कोई ऑफलाइन सर्टिफिकेट आपके घर तक नहीं भेजा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना प्रक्रिया है, ये सारी चीजें हैं। आप ज्वाइन कब करेंगे, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना, तभी वो वैलिडेट भी हो पाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अगर आप राधा कृष्णन पीडीएफ फेलोशिप देख रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा घुमावदार जरूर है, क्योंकि सुपरवाइजर अच्छे होने चाहिए 3 सालों के लिए। आखिर बात जो है यहाँ पर पीडीएफ की है, हायर एजुकेशन की है।
आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप वहां से भी कर सकते हैं जहां पर आपने पीएचडी किया हुआ है ना। तो ये पीडीएफ स्टूडेंट के लिए है बेसिकली, जो पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं लास्ट ईयर में है, ये इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, दोस्तों को और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर जरूर इसको शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके और जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो लोग अप्लाई कर सके, कहीं ये एग्जाम उनके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है 2022, यानी इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा, तभी आप लोग जो है एलिजिबल हो पाएंगे इस फेलोशिप के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से कंप्लीट, तो मैं ज्योग्राफी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ 100% सिलेबस कवरेज के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर एनटीए यूजीसी नेट स्लेट एग्जाम्स के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी आप मेरे कोर्सेज को इक्विवेलेंटली ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी भी आपको 20% ऑफर दे रही है अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, जहां पर आपको रेफर कोड अभिषेक जे और 10AKJ के साथ 20% डिस्काउंट मिल जाता है, दोनों में से कोई भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप और यू कैन कॉल। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।